अगर आप कोई नई सरकार बनाना चाहते हैं तो उस सरकार को एक फ्लिप देने के लिए आप कौन कौन से मेजर्स करने के लिए तैयार हैं? तो ये जो है मुफ्ती साहब की कमिटमेंट कन्विक्शन मेरे लिए बहुत ही सेक्रेट है. आई बिलीव इन माय फादर्स कमिटमेंट एंड कन्विक्शन. बट एट द सेम टाइम इफ वी वांट टू हैव अ गवर्नमेंट, अ गुड गवर्नमेंट, जहां पर आप जम्मू कश्मीर में एक अमन लाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आपने मुफ्ती साहब की लास्ट स्पीच भी सुनी हो उसमें भी उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर में अमन के हवाले से, पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से, तो मेरे कहने का ये मकसद है मुफ्ती साहब की अपनी गुडविल थी जिसकी वजह से पिछले 10 महीने में अगर कोई कमी खामियां रही उसके बावजूद ही वॉज एबल टू डिलीवर मेनी थिंग्स. उनकी गुडविल इतनी अच्छी थी कि ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर बख्शी साहब के बाद जो श्रीनगर के डाउनटाउन में जाते थे. कुछ ऐसी चीजें हों जिससे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा माहौल बने और जब अगर नई सरकार बनती है तो उसको एक स्पेस मिले, उसको एक फ्लिप मिले. तो मैंने ये बातें कही हैं. अब देखिए मैंने गवर्नर साहब से भी ये डिस्कस किया कि हमारी पार्टी का ये है कि अगर अच्छी गवर्नमेंट हैजंट डन इनफ सो फार, दे नीड टू डू मोर फॉर डेमोक्रेसी टू गेट दैट. आई डोंट नो द डिफरेंसेस. देखिए कोई डिफरेंसेस की बात नहीं है. मैंने पहले भी कहा जम्मू कश्मीर एक बहुत ही मुख्तलिफ स्टेट है, वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं. वहाँ आपको खाली जैसे बाकी स्टेट्स में यू हैव अ गवर्नमेंट, यू हैव अपोजिशन, यू हैव अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, पर जम्मू कश्मीर में हमें बहुत सारे फोर्सेस का मुकाबला करना है. तो उन फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को संभालने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क की सरकार है वो पूरी तरह से हमारे पीछे खड़ी हो जाए और जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करे. और अभी एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स उठाए. क्या मैम? क्या नहीं, वो तो बात कर रहे हो. कोई नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं. ये तो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है वो टॉप लेवल पे डिस्कस हुआ, उसमें क्या एश्योरेंस हुआ, तो होना ही होना है. टिकट की बात नहीं, बात ये है जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनाना चाहते हैं. मुफ्ती साहब इस वक्त वहाँ पर नहीं है. उनकी कमी पेशी को दूर करने के लिए आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे नई सरकार को एक फ्लिप मिले. थैंक यू सो मच.